आकांक्षा दुबे केस में बहुत बड़ी खबर। आकांक्षा की मां ने समर सिंह पर लगाया बहुत बड़ा आरोप। समर सिंह पर लगाया मारपीट व टॉर्चर का आरोप। काम करने के बदले में पैसे न देने का भी लगा आरोप। पुलिस के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा सब कुछ साफ साफ। समर सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया निशब्द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बनारस के एक निजी होटल में आकांक्षा दुबे की मौत का मामला बहुत ही गहरा होता जा रहा है। आकांक्षा की मौत के बाद से ही भोजपुरी गायक समर सिंह का नाम सुर्खियों में है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक समर सिंह घर पर नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है। सारनाथ क्षेत्र स्थित एक होटल में मृत मिली भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की माँ मधु दुबे ने सोमवार को गायक समर सिंह व उसके भाई संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को मुंबई से सारनाथ थाने पहुंची मधु दुबे ने आरोप लगाया कि समर सिंह अक्सर आकांक्षा से मारपीट करता था, पैसे हड़प लेता था, उसे किसी और के साथ काम नहीं करने देता था। वह किसी और के साथ काम करती थी तो उसे प्रताड़ित करता रहता था। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत की सूचना पाकर उनकी माँ मधु दुबे मुंबई से वाराणसी आईं और पुलिस स्टेशन में तहरीर देकर सारनाथ थाने में भोजपुरी गायक समर सिंह व उसके भाई संजय सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। रोते बिलखते हुए मधु ने आरोप लगाया कि बीते 21 मार्च को आकांक्षा बस्ती में शूटिंग कर रही थी, तभी आकांक्षा के मोबाइल पर संजय सिंह ने फ़ोन किया था और धमकाया था कि तुम्हारी हत्या करा देंगे। और इधर समर सिंह भी अभी तक सामने नहीं आए हैं। मधु दुबे ने सवाल किया कि आकांक्षा की मौत के 24 घंटे के बाद भी भोजपुरी गायक समर सिंह सामने क्यों नहीं आया। तमाम लोगों के फ़ोन उनके पास आए लेकिन समर ने एक कॉल भी नहीं की। समर छुपा क्यों हुआ है, वह सबके सामने आकर हकीकत क्यों नहीं बताता है। यह सब जानते हुए भी जो गलत होता है वो भागा भागा फिर रहा है। पुलिस के अनुसार समर सिंह और आकांक्षा सिंह शूटिंग वगैरह के लिए वाराणसी या इसके आसपास के इलाके में आते थे तो टकटकपुर क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में रुकते थे। तकरीबन 3 साल से दोनों एक दूसरे के दोस्त थे। इस बार वैलेंटाइन डे पर आकांक्षा ने समर सिंह के साथ फोटो पोस्ट करते हुए हैप्पी वैलेंटाइन डे लिखा था। इसके बाद से ही फरवरी में ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी तो दूरियां भी बढ़ती ही चली गईं। समर से दूरी की वजह से आकांक्षा दुखी रहती थी और अवसाद ग्रस्त हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टरों के पैनल ने अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के शव का सोमवार की दोपहर पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट को सीलबंद किया गया है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार आकांक्षा की मौत फंदा लगाने की वजह से ही हुई है। जांच के लिए विषय सुरक्षित रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद आकांक्षा की अंत्येष्टि परिजनों और करीबियों की मौजूदगी में मणिकर्णिका घाट पर की गई। समर सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा हुआ है निशब्द। आकांक्षा की मौत से बाद से ही भोजपुरी गायक समर सिंह का नाम सुर्खियों में है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। पुलिस के मुताबिक समर सिंह घर पर नहीं है, उसकी तलाश की जा रही है। हालांकि आकांक्षा की मौत के बाद समर सिंह ने सोशल मीडिया पर एक संवेदना व्यक्त की थी। उसने लिखा था कि निशब्द, अब पुलिस समर सिंह की तलाश में दबिश दे रही है। भोजपुरी अभिनेत्री एवं भोजपुरी की जाने मानी इंडस्ट्री की कलाकार आकांक्षा दुबे के आत्महत्या मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में पुलिस अब कार्रवाई तेजी से कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी चीज़ों को तलाश रही है। बता दें कि आकांक्षा रविवार को सारनाथ के बुद्धा सेट्टी कॉलोनी स्थित एक होटल के कमरा नंबर 105 नंबर में मृत पाई गई थी। उन्होंने फांसी लगाकर मौत को चुना। उस कमरे में पुलिस को शराब की खुली बोतल, सिगरेट के पैकेट, ग्लास और मोबाइल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जल्द ही पुलिस किसी न किसी आधार पर इस दोषी को जरूर तलाश करेगी। इसी अपेक्षाओं के साथ आप ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल राठौर कुशीनगर से। और जितने भी लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं,
कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।